अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है और टाइटेनियम ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आज आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2021 जो है वो इस वक्त अपने अहतमाम को पहुँच चुका है और अब जो है 2022 जो है वो आने वाला है। तो बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट हैं, बहुत सारे लोगों की ये व्यूज़ हैं, जो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने 2021 के अंदर की, जिन्होंने उनसे गेन हासिल किया, जिन्होंने काफ़ी हेल्दी ट्रांजेक्शन्स की, जो फर्दर फ्यूचर जो है ट्रांजेक्शन्स में इंटरेस्टेड हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए और वो जानना चाहते हैं कि 2022 उनके लिए आया कैसा होगा। आया कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ेंगी या प्रॉपर्टी जो है वो स्लम में आएगी या प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर जाएंगी। टैक्सेस और डिफरेंट जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या कहते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आपके साथ बहुत ही डिटेल्स जो है वो व्यू शेयर करूँगा। ये व्यू जो है वो डिफरेंट मार्केट इंडिकेटर्स, मार्केट प्रैक्टिसेस और डिफरेंट जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिससे हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक हेल्दी बेनिफिट भी होता है और उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टाइटेनियम ग्रुप बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने क्लाइंट्स के लिए हर किस्म की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। चाहे वो उन्होंने कोई अपने लिए घर परचेज़ करना हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो जिससे वो एक अच्छा गेन हासिल करना चाह रहे हों, या रियल एस्टेट के बारे में डिफरेंट कन्फ्यूजन्स और डिफरेंट जो डिस्कशंस होती हैं, सेशंस होते हैं, उनको जो है वो एड्रेस करना हो, तो टाइटेनियम ग्रुप वहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ना सिर्फ जो है मल्टीपल जो है प्रोजेक्ट्स में डील करता है, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड जो है होने के साथ साथ डिफरेंट अपने क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको बेहतर तरीके से हल करने के लिए हमेशा कोशिश रहता है। टॉपिक का अगर मैं आगाज़ करूं तो मैं आगाज़ करता हूं सबसे पहले 2021 से, जो कि रिसेंटली जो है गुजरा है, और इसमें ओवरऑल जो अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, हर प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है। बेशक उन्होंने पोजेशन वाली ऑन ग्राउंड चीज़ें कैश पर ली या इंस्टॉलमेंट्स पर उन्होंने कुछ बाइंग की, नए प्रोजेक्ट्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, या जो बिग ब्रांड्स हैं, बिग गायज हैं इस वक्त लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर, उनके अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। ओवरऑल अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट जो है 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा बूम इसमें देखा गया, रियल एस्टेट में 2021 के अंदर बहुत ज़्यादा बूम देखा गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहा इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हों या फॉरेन इन्वेस्टर्स हों। आगे अब जो है 2022 जो है वो आने वाला है और इसमें जो है जो प्रेडिक्शंस जो हैं हम आपको देंगे या वो जो स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप जो है एक हेल्दी बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं वो इंडिकेटर्स डिस्कस करूंगा जो कि बताते हैं कि 2022 जो है वो सबसे बेहतर है आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके लिए जो भी आप परचेजिंग करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी जो है इस वक्त आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2021 में ही जो है ओवरऑल जो है फोकस रियल एस्टेट की तरफ आया, प्राइसेस काफ़ी बढ़ी, डिमांड काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त मार्केट में जनरेट हो चुकी है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो एक इंडिकेटर प्राइस इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ इन डिमांड का आ जाता है। जैसे भी पाकिस्तान में ओवरऑल किसी भी मार्केट में आप देखेंगे जिस चीज़ की प्राइस जो है वो बढ़ती है, लोग उसको परसीव करते हैं कि उसमें अब प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है और उसकी डिमांड जो है वो लोग ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट जो है राइज होती है और इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बेनिफिट होता ही है, जो नए आने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की सूरत में जो है वो कायम हो जाती है। सेकंड इंडिकेटर जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। अगर पाकिस्तान की इस वक्त रियल एस्टेट की सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट का फोकस अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इस वक्त एमिनिस्ट्री स्कीम्स जो हैं रियल एस्टेट को दी गई हैं और इस सेक्टर को बाय फोर्स जो है वो इम्प्रूव किया गया, जबकि डिफरेंट सेक्टर्स जिसमें बैंकिंग सेक्टर है आपका, जिसमें प्राइवेट सेक्टर है, जिसमें आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, डिफरेंट मार्केट्स जो हैं वो इस वक्त काफ़ी जो हैं वो डेफिसिट का शिकार हुई हैं 2021 के अंदर, लेकिन 2021 के ही अंदर जो रियल एस्टेट जो मार्केट है ये काफ़ी बूम हुई है। इसके अंदर जो है काफ़ी इस्लाहात भी की गई गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी अट्रैक्टिव ऑथेंटिक जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्टेप्स भी लिए गए, जिसकी वजह से ये चला। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाता है वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स होते हैं। किसी भी मार्केट के अंदर जिस वक्त कैश का फ्लो आउट ऑफ द कंट्री आता है तो उससे जो है बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बूम करते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की बाइंग पावर ज़्यादा होती है और जिस तरह वो बाय करते हैं और डिमांड जो है वो अपनी जनरेट करते हैं, तो जिस भी प्रोजेक्ट में वो सबसे ज़्यादा बाइंग करेंगे वो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बूम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है और वो लोकेशन भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती है।
ओवरसीज क्लाइंट्स का सबसे ज़्यादा रियल स्टेट में बाइंग इस सीज़न के अंदर करने की सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे रुपए की कदर जो अनस्टेबल हुई, जिसमें डॉलर, यूरो और डिफरेंट जो फॉरेन करेंसीज़ हैं हमारे जो हैं वो रुपए की कदर में जो हैं वो महंगी हो गई, और ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं वो इस चीज़ का वेट करते हैं कि जिस वक्त प्राइसेस जो हैं डॉलर की जो हैं वो फ्लक्चुएट करें और उनको चीज़ें, वही चीज़ें जो वो नॉर्मल हालात में बाय करें तो ज़रा एक्सपेंसिव पड़ती हैं, इन हालात में बाय करें तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको बेनिफिट मिलता है। ये जो प्राइसेस की फ्लक्चुएशन है ये होल्ड करेगी 2022 के अंदर ड्यू टू आवर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, आवर करंट जो है वो GDP ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी गवर्नमेंट के साथ चल रहा है, उस वजह से 2022 के अंदर ये फैक्टर्स जो हैं वो रहेंगे, जिससे 2022 इन्वेस्टर्स के लिए भी गोल्डन, एक फर्दर ईयर जो है एक्सटेंड करेगा गोल्डन पीरियड इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसी पीरियड के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रूल ऑफ द थंब है कि जिस वक्त भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं, सबसे पहले जो है टॉप ब्रांड्स, जो टॉप डॉग्स होते हैं मार्केट के, उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं DHA, बहरिया टाउन, लेक सिटी, ये जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, LDA सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता इस वीडियो, पूरी वीडियो के अंदर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। इनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप फ्यूचर हिस्ट्री भी प्रेडिक्ट करते हैं या पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट भी उन्हीं लोगों को हुआ है जिन्होंने बिग जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, और या जो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स की थी उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड किया, तो उनको बेनिफिट जो है बनिस्बत दूसरे प्रोजेक्ट्स के मिलियंस के अंदर हुआ है, जहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट्स में प्राइसेस लाखों में बढ़ी हैं, किसी में 5 लाख बढ़ी, किसी में 6 लाख बढ़ी, तो यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख, इस तरह प्राइसेस का जो है वो गेन आया, डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी कंडीशन जो है ये चीज़ें वेरी करती हैं। इसके बाद जो है अब जो सबसे ज़्यादा चीज़ फोकस की करने की ज़रूरत है डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, बेशक वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं या लोकल इन्वेस्टर्स हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट का फ़्लो होता है वो 3 मेजर सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ़्लो करती है, जिसमें है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। ये 3 मेन सिटीज़ हैं जहाँ पर ओवरऑल पाकिस्तान की अगर ट्रांजेक्शन देखी जाए तो इन 3 शहरों में अकेले में ट्रांजेक्शन पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं और यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो दूसरे शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। तो अपना फोकस जो है वो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, कराची थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड एरिया रहता है, उसमें जो है काफ़ी सारे इश्यूज भी आते हैं, तो लाहौर और इस्लामाबाद तो गोल्डन जोन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लो बजट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके एक हेल्दी गेन लेना चाह रहे हैं। और टाइटेनियम के पास, अकेले टाइटेनियम के पास इस वक्त मोर देन 183 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अहतमाम की तरफ लेकर चलता हूं, और अहतमाम से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने जो है 2021 के अंदर एक प्रॉपर एक्सपीरियंसेस रखे, डिफरेंट किस्म की परचेजिंग की, इन्वेस्टमेंट्स की, ट्रांजेक्शन्स की और उनमें बेनिफिट जो है वो कमाया, या जिनके लॉसेस भी हुए, उन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी पैदा करे, आगे आने वाला जो साल है वो सब लोगों के लिए जो है वो एक बेनिफिट का और एक जो है फलाह का जो है वो साल रखे। आप सब लोगों के लिए मेरी दुआ है कि आपके जो भी गोल्स हैं 2022 के अंदर, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आप वो अचीव करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।